वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ जनरल डिस्क्लोजर्स हैं जो दोनों मॉडल्स पर अप्लाई होते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल हो या कॉस्ट मॉडल हो। फिर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं जो फेयर वैल्यू मॉडल पर ही सिर्फ अप्लाई होंगे, और इसी तरह से कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं जो सिर्फ कॉस्ट मॉडल पर अप्लाई होते हैं। सो जनरल डिस्क्लोजर्स को डिस्कस करते हैं जो दोनों मॉडल्स पर अप्लाई होने। तो एक एंटिटी डिस्क्लोज करेगी कि क्या वो फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करती है या कॉस्ट मॉडल अप्लाई करती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक मॉडल पर रिफ्लेक्ट करना होता है। और कुछ सिचुएशन में जब क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट होती है कि एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं, तो फिर एक एंटिटी को ये क्राइटेरिया डेवलप करना होता है कि वो किस बेसिस पर डिस्टिंग्विश करेगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी या इन्वेंट्री वाली प्रॉपर्टी से। तो जो क्राइटेरिया वो यूज़ करते हैं तो उस क्राइटेरिया को भी डिस्क्लोज करना है। सिमिलरली जब फेयर वैल्यू जो यूज़ की जाती है, फेयर वैल्यू बेसिकली फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर तो मेजरमेंट ही फेयर वैल्यू पर हो रही है, लेकिन कॉस्ट मॉडल के अंदर भी ये रिक्वायरमेंट है कि फेयर वैल्यू को डिस्क्लोज करें। मेजर उस पर बेशक ना करें लेकिन उसको डिस्क्लोज करें। तो जो भी फेयर वैल्यू आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे मेजरमेंट के लिए कर रहे हैं चाहे डिस्क्लोजर के लिए कर रहे हैं, वो किस एक्सटेंट तक बेस कर रही है बाय द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जिसके पास रिकग्नाइज्ड एंड रेलिवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, रीसेंट एक्सपीरियंस हो इन द लोकेशन एंड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसको आप वैल्यू कर रहे हैं। और अगर ऐसी वैल्यूएशन नहीं की गई तो ये फैक्ट भी डिस्क्लोज किया जाएगा। इसी तरीके से बाद अवकात कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सेल पर, कि एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो आप अगले 5 ईयर्स तक सेल नहीं कर सकते, या एक ऐसे कंट्री के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कि उस पर जो रेंटल इनकम होगी वो आपको रिमिट करने में प्रॉब्लम होगा, कि आप वहाँ से पाकिस्तान में अगर पैसे मंगवाते हैं तो देयर वुड बी सम रिस्ट्रिक्शंस। या इसी तरह अगर उसको वहाँ पर आप प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करेंगे तो उसके जो पैसे हैं वो आपको अपनी कंट्री में मंगवाने में प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरह की अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हों तो उनकी एग्जिस्टेंस अगर है, और फिर उनकी किस हद तक अमाउंट की रिस्ट्रिक्शन है। कुछ जगह पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं अमाउंट का, लेकिन एक सर्टन लिमिट होती है कि पर एनम इतनी कर सकते हैं। तो वो जो भी एग्जिस्टेंस और अमाउंट होगी वो भी डिस्क्लोज की जाएगी। सिमिलरली अगर आपकी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को परचेज, कंस्ट्रक्ट या डेवलप करने की, क्योंकि आपने इसमें कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, या किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रिपेयर, मेंटेनेंस और इन्हांसमेंट की, समटाइम जब आपने लीज एग्रीमेंट्स किए होते हैं या रेंट पर प्रॉपर्टी दी होती है तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस की भी साथ के साथ आपकी कुछ ऑब्लिगेशन हो सकती हैं, तो उनको आप डिस्क्लोज करेंगे। फर्दर कुछ और भी जनरल डिस्क्लोजर्स हैं जिनका ताल्लुक उन अमाउंट से है जिन्हें हम प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज करते हैं। तो रेंटल इनकम जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आई है उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। ऐसे डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह शामिल है इसमें, जो उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर लगे हों जिनसे आपने रेंटल इनकम जनरेट की है, और इसी तरह वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के जिससे रेंटल इनकम जनरेट नहीं हुई है। तो इस डिस्क्लोजर का फायदा ये होगा कि जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आपकी रेंटल इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से हैं और उसके अलावा वाले एक्सपेंसेस कौन से हैं। इसी तरह क्यूमुलेटिव चेंज इन फेयर वैल्यू जो आप रिकग्नाइज करते हैं प्रॉफिट और लॉस में, वो भी आप डिस्क्लोज करेंगे। सो जनरल डिस्क्लोजर्स तो आपने हर सूरत में देने हैं, चाहे आपका फेयर वैल्यू मॉडल हो या कॉस्ट मॉडल हो। लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल के जो एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं उसमें एक एंटिटी को एक रिकंसिलिएशन बनानी होती बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट बिगनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड, यानी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, जिसमें आप बताएंगे एडिशंस को। इसमें वो एडिशंस जो आपने परचेज के थ्रू किए हैं वो अलग बताएंगे, और अगर कोई आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया जैसे बिल्डिंग के अंदर फर्दर कंस्ट्रक्शन किया तो वो सेपरेट बताएंगे। बिजनेस कम्बिनेशन में कोई एक्विजिशन है वो बताएंगे, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो गई है, IFRS 5 उस पर अप्लाई हो गया या उसका डिस्पोजल हो गया, वो बताएंगे। गेन और लॉस जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से राइज हुआ है, नेट एक्सचेंज डिफरेंस ऐसा तब होता है जब आपकी प्रॉपर्टी जो है किसी फॉरेन कंट्री में हो और फॉरेन करेंसी की ट्रांसलेशन की वजह से ये डिफरेंस राइज हो रहा होता है, या ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इसके अलावा भी अगर कोई चेंजेस हैं तो आप इस रिकंसिलेशन में रिफ्लेक्ट करेंगे। फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती हैं जो हम कॉस्ट मॉडल पर रिफ्लेक्ट करते हैं, हालांकि हमारा मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल होता है, लेकिन हम उस एक दो प्रॉपर्टीज को जो है कॉस्ट मॉडल पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। तो ऐसी सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी की आप जो है डिस्क्रिप्शन बताएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे कि फेयर वैल्यू क्यों मेजर नहीं हो सकती रिलायबली, रेंज ऑफ एस्टिमेट देंगे कि फेयर वैल्यू रिलायबल मेजर तो नहीं हो सकती, लेकिन लेट्स से हम कहते हैं कि जी रेंज जो है उसकी वो 30 मिलियन टू 40 मिलियन की रेंज में वैल्यू हो सकती है,
और अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्पोजल होता है तो फैक्ट ऑफ डिस्पोजल के, ऐसी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल हुआ है उसकी जो कैरिंग अमाउंट है डिस्पोजल से रिलेटेड प्रॉपर्टी की, और उस पर जो गेन और लॉस अराइज हुआ है वो भी आप डिस्क्लोज करेंगे। कॉस्ट मॉडल से रिलेटेड जो एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं, क्योंकि कॉस्ट मॉडल में आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे तो आप डेप्रिसिएशन मेथड जो यूज़ कर रहे हैं वो बताएंगे, यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट में से एक चीज़ बताएंगे, और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट यानी कॉस्ट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिगनिंग एंड एंड पर आपने बतानी है, और एक रिकन्सिलेशन भी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू के दरमियान आपने बनानी है, जिसमें एडिशंस जो परचेज एक्विजिशन है वो अलग और जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह आपने किया कोई तो वो अलग बताएंगे। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस सेपरेटली बताया जाएगा, हेल्ड फॉर सेल एसेट जो क्लासिफाई हुए या डिस्पोजल हो गया वो अलग, बिजनेस कम्बिनेशन से जो एसेट एक्वायर हुए वो सेपरेटली, इम्पेयरमेंट लॉसेस की वजह से जो कमी आई एसेट्स की वैल्यू में वो बताएंगे, नेट एक्सचेंज डिफरेंस अगर IAS 21 के मुताबिक कोई रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि फॉरेन करेंसी में प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट हो रही है या ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उनको आप रिफ्लेक्ट करेंगे अलॉन्ग विद अदर चेंजेस। इसके अलावा रिक्वायरमेंट ये है कि कॉस्ट मॉडल भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं स्टिल आपने फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी है, यानी मेजरमेंट आपकी कॉस्ट पर है लेकिन डिस्क्लोजर के अंदर आप फेयर वैल्यू का ज़रूर आइडिया देंगे ताकि जो है दूसरी एंटिटीज़ के साथ उसको कंपेयर किया जा सके। बट वंस अगेन अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती तो सेम एडिशनल डिस्क्लोजर्स जो हमने फेयर वैल्यू मॉडल में पढ़े थे बेसिकली तीन हैं कि आप डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी बताएंगे, नंबर टू आप बताएंगे कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, और नंबर थ्री ये कि रेंज ऑफ एस्टिमेट क्या है जिसके अंदर उसकी फेयर वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड है कि उसी रेंज में लाए करती होगी। सो ये डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।